उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के सत्संग में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल स्कंदराऊ थाना क्षेत्र स्थित फुलराई गांव में नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग था। इसमें हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान भगदड़ मच गई और देखते ही देखते बाबा का दरबार शमशान बन गया। सत्संग में मची भगदड़ के कारण अब तक 116 लोगों की मौत हो गई, वहीं 35 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद से ही बाबा फरार हो गया है। अब बाबा साकार हरि के लोकेशन को लेकर बड़ा अपडेट मिला है। खबरों के अनुसार भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि हाथरस से सीधे मैनपुरी के रामकुटीर आश्रम पहुंचे हैं। इस आश्रम के बाद प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। इस आश्रम में किसी मीडिया कर्मी या बाहर के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाबा की ओर से अभी तक इस घटना पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी सहित देश के कई दिग्गज नेता दुख प्रकट कर चुके हैं। खबरों के अनुसार अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आखिर कौन है ये नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा? नारायण साकार हरि मूल रूप से यूपी के एटा जिले स्थित बहादुर नगरी गाँव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआत पढ़ाई लिखाई यहीं हुई है। भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदल लिया और नारायण साकार हरि के नाम से जाने लगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वे अक्सर सफेद सूट टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा पहने नजर आते हैं। इंटरनेट के जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचकों से इतर भोले बाबा सोशल मीडिया से दूर हैं। सत्संग के समय उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती है। साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा के अनुयायी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी फैले हैं। इनके सत्संग को मानव मंगल मिलान सद्भावना समागम कहा जाता है। भोले बाबा से जुड़े हुए हजारों स्वयं सेवक और स्वयं सेविकाएं खाने पीने से लेकर भक्तों के लिए जरूरी इंतजाम करते हैं। कोरोना काल के दौरान प्रतिबंध के बावजूद भी हजारों की भीड़ इकट्ठा करके चर्चा में आए थे भोले बाबा। भोले बाबा के सत्संग में जो भी भक्त आता है उसे वहां पानी बांटा जाता है। अनुयायी ऐसा मानते हैं कि पानी पीने से उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बाबा का पटियाली तहसील के बहादुर नगर स्थित गांव में ही दरबार लगता है। यहाँ आश्रम के बाहर एक हैंडपंप है। दरबार के दौरान इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भी लंबी लाइन लगती है। एक वीडियो में बाबा की गाड़ी के पीछे लोग पागलों की तरह दौड़ते हुए नजर आते हैं। हादसे के बाद बाबा फरार बताए जा रहे हैं। खबर है कि बाबा की गाड़ी गुजरते समय निकल रही भीड़ को रोक दिया गया था। सुना जाता है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा की पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ है। पिछले साल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इनके सत्संग में पहुंचे थे। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। फोटो में अखिलेश बाबा के पंडाल में बैठे नजर आए थे। भारत एक धर्मपरायण देश है। यहाँ सदियों से साधु संत लोगों की आस्था के प्रतीक रहे हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में लोगों का इस तरह से किसी भी स्वयंभू बाबा या अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार बताने वाले इस तरह के बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है। इतने बड़े हादसे के बाद जहाँ सारी दुनिया शोकग्रस्त है, वहाँ बाबा का कोई भी बयान न आना और छुप कर बैठ जाना अपने आप में चिंतन का विषय है।